नमस्ते दोस्तों, ओल्ड इज गोल्ड में आपका स्वागत। स्वास्थ्य संबंधी चर्चा में होम्योपैथिक में आज आपको एक ही वीडियो के अंदर तीन दवाओं का जिक्र करूंगा। तो इन तीनों दवाओं को आप बराबर मात्रा में डाइल्यूशन है मिला करके और 5-5 बूंद दिन में 4 बार अगर आप लेंगे तो एक तो आपके पेट का सिस्टम ठीक होगा, दूसरा आजकल प्राय हर आदमी को कोलाइटिस रहती है, एमबीबी कोलाइटिस, अर्थात एक बार में क्लियर होता नहीं है तो 2-3 दफा तो जाना ही जाना होता है, क्योंकि चाट पकौड़ी ये कुछ ना कुछ खा ही लेता है आदमी, असली कोई चीज मिलती नहीं है। तो इसको दुरुस्त करने की दवा और आपके पेट में गैस नहीं बने उनको ठीक करने की दवा, आपको कब्जियत रहती है उसको ठीक करने की दवा, कुल मिला के ये तीनों दवाइयाँ आपको अगर पतले दस्त आते हैं, काले आते हैं या कुछ भी आते हैं उसको भी रोकेगी, पेट को सही करेगी और तीनों दवाइयाँ निर्दोष है। आप एक महीना लें, आपका पेट रेशम की तरह हो जाएगा, हर जगह मिलती है। तो पहली दवा है इलाटेरियम, इलाटेरियम 30 पोटेंसी। ये जो कुमड़ा होता है जिसका पेठे की मिठाई बनती है, ये दवा उससे बनी हुई है इलाटेरियम। और कुमड़ा कितना गुणकारी होता है ये बताने की इजाज़त नहीं। तो इलाटेरियम के आपको लक्षण बताता हूँ। अनेक प्रकार के रोगों को दूर करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप फ्लेश में कला, अधिक मात्रा में तरल और लिसलिसा कफ निकलता है। वास्तव में इलाटेरियम औषधि पहली बार स्लेस कला, गला, नाक, आमाशय और आंखों से निकलने वाली तरल, यानी कि आंखों से अगर कोई ज़्यादा आंसू आते हैं या गीज आते हैं तो उनको भी ये ठीक करती है, जिसके कारण इसकी मुख्य क्रिया आमाशय पर होती है। इसकी क्रिया के फलस्वरूप लक्षण उत्पन्न होते हैं तो आमाशय का तरल रस द्रव्य होकर के उत्तेजना ला देता है, जिसके कारण उल्टी हो जाती है और दस्त आ जाते हैं। उल्टी दस्त आने पर ये मुफीद है और अधिक उत्तेजना बनी रहने के कारण उल्टियां हो जाती है। शरीर के विभिन्न अंगों में उत्पन्न लक्षणों के अंदर भी इलाटेरियम बहुत बढ़िया काम करता है। यदि किसी रोगी को अधिक उबासियां आने के साथ ही पानी की तरह पतले पदार्थों की उल्टियां हो रही है तो इलाटेरियम बहुत फायदा करती है। पेट के संबंधित रोगों में काटने फाड़ने की तरह दर्द, दर्द होने के साथ मरोड़, इलाटेरियम से ठीक हो जाती है। दस्त, पानी की तरह पतले दस्त अधिक मात्रा में आना आदि रोगों में इलाटेरियम औषधि देना चाहिए। अपन लोग क्रोटन टिगलियम का प्रयोग करते हैं, तो क्रोटन टिगलियम कभी सक्सेस नहीं हुआ। ये दो आप यदि किसी रोगी को पानी की तरह झागदार या हरे रंग का दस्त आता है तो ऐसे लक्षणों में इलाटेरियम का प्रयोग करना चाहिए। शरीर के बाहरी अंगों में यदि रोगी के बाएं कुल्ले से पैर के अंगूठे तक हल्की पीड़ा हो रही हो तो तेज दर्द हो रहा हो या हल्की हो रही हो तो रोगी को इलाटेरियम देने से लाभ होता है। यानी कि बाएं कुल्ले से लेकर के और पैर के अंगूठे तक हल्का या तेज दर्द हो तो इससे लाभ होता है। इलाटेरियम औषधि की तुलना कोल्चिकम, क्रोटांटिक, कालोसिंथ, ग्रेटियोला,
सिकेली वेरेट्रम आयल से की जाती है। यदि रोगी का रोग हैजा की तरह अधिक तेज दस्त के साथ उल्टियां आती है, जिसमें अधिक दस्त होते हैं जागदार हरे रंग के, तो ऐसे में भी इलाटेरियम देना चाहिए। यदि किसी रोगी के गुर्दे में सूजन हो तो रोगी को इलाटेरियम देनी चाहिए, परंतु ध्यान रखें कि रोगी में ऊपर के लक्षण भी होना चाहिए। यदि रोगी में उबकाई या उल्टियों के साथ जिगर में सूजन और पीलिया रोग हो तो रोगी को इलाटेरियम देना चाहिए। यदि शरीर में तेज गर्म के साथ रोगी का उबासियां उल्टियां आती है या साइटिका में असहनीय दर्द होता हो तो रोगी को इलाटेरियम देना चाहिए। ये मैंने आपको नंबर वन दवाई इलाटेरियम के गुण बताए हैं। अब मैं नंबर दो दवा के आपको मैं बताता हूँ इसी वीडियो में। हाँ, मैंने अभी आपको इलाटेरियम बताया, अब दूसरी दवा का मैं वर्णन कर रहा हूँ, जिक्र कर रहा हूँ, जिसका नाम है लेफ्टेंड्रा, लेफ्टेंड्रा 30 पोटेंसी। मैं तीनों दवाओं के नाम भी नीचे आपको लिख दूंगा, है ना। लेफ्टेंड्रा 30, लेफ्टेंड्रा होती है ये लीवर दोषों को दूर करने वाली होती है। यदि किसी रोगी को काला अलकतरे जैसा मल आ रहा हो तथा साथ में पीलिया हो गया हो तो उसको इस रोग से ठीक करने के लिए लेफ्टेंड्रा ओसी का प्रयोग लाभदायक होता है। पित्त के अवस्था तथा यकृत के सिरे से खून निकलने लगता है तो ऐसी स्थिति में भी रोगी को रोग ठीक करने के लिए लेफ्टेंड्रा का प्रयोग करना चाहिए। मलेरिया रोग को ठीक करने के लिए भी लेफ्टेंड्रा का प्रयोग करना चाहिए। इसके अलावा सिर के लक्षण में सिर में दर्द होना, चक्कर आना, नींद न आना, अधिक निराशा होना, आंखों में दर्द होना तथा छींक माचना, इन प्रकार के लक्षणों से पीड़ित रोगी को ठीक करने के लिए लेफ्टेंड्रा का प्रयोग करना चाहिए। पेट के लक्षण जीभ पर पीला लेप, आमाशय तथा आंतों में अत्यधिक दर्द होना, इसकी क्रिया एमबीबी कोलाइटिस पे होती है, यानी कि आंतों का रोग होता है, वो तो बड़ा दुखदायी रोग है, तो ये आंतों के ऊपर भी बहुत बढ़िया काम करता है लेफ्टेंड्रा। तो इसके जो लक्षण हैं, आमाशय तथा आंतों में अत्यधिक दर्द होना, मल त्यागने की इच्छा नहीं होती, लीवर भाग में हल्का हल्का दर्द होता है, लीवर का उत्तर मेरुदंड तक फैल जाता है और ठंड महसूस होती है। इस प्रकार के लक्षणों से यदि कोई में लक्षण हो तो उस व्यक्ति को लेफ्टेंड्रा देना चाहिए। मल इस आदमी का लेफ्टेंड्रा का दस्त जो होता है, काला बदबूदार मल होता है, यानी कि जिसको लिवर संबंधी या कोई आंतों संबंधी रोग है और दस्त में कालापन आता है तो इसका मतलब है उसमें काले रंग के दस्त के अंदर थोड़ा थोड़ा ब्लड होता है। तो ऐसे रोगी को एलोपैथी के अंदर डाल दोगे तो बहुत ही चिकित्सा तो होती है लेकिन बहुत कुछ गोलियां खानी होती है, बहुत लंबा पड़ जाता है और इसके अंदर आपको कोई झंझट ही नहीं, आपके 50-40 रुपए में ही काम हो जाता है। तो इस प्रकार का जो मल होता है काला और बदबूदार, बदबू बहुत तेज होती है, साथ ही नाभि में दर्द होता हो, खूनी बवासीर हो जाता हो, अधिक आंतरिक बुखार होने के साथ ही काला पखाना होता है, अलकतरे जैसा मल, खास के लक्षण यही है काला पखाना और अलकतरे। अलकतरा होता है सड़क बनाते हैं ना वो डम्बर वाला, पीलिया
रोग होने पर मिट्टी के रंग का मल होता है, मल द्वार में खून निकलता रहता है। इस प्रकार के लक्षणों में से यदि कोई भी लक्षण किसी व्यक्ति का हो तो उसके रोग को ठीक करने के लिए लेप्टेंड्रा औषधि का प्रयोग लाभदायक है। लीवर के अंदर आंतों से स्राव होने पर लेप्टेंड्रा का प्रयोग लाभदायक होता है। लीवर की क्रिया में सुधार हो जाता है। पेट से संबंधित लक्षण, रोगी के पेट में गड़गड़ाहट होती है तथा लीवर में दर्द होता है, दस्त हो जाता है तथा मल काला होता है। इस प्रकार के लक्षणों से पीड़ित रोगी को रोग को ठीक करने के लिए लेप्टेंड्रा औषधि का प्रयोग करना चाहिए। इससे संबंधित जो दवाइयां हैं, पोडोफिल्म है, आयरिस वर्सिकालर है, ब्रायनिया है और मर्क्यूरिस है, प्लेटिला है, माइरिका है, ये इससे संबंधित दवाइयां हैं। इसकी डोज लिखी है। औषधि का मदर टिंचर या 30 पोटेंट प्रयोग कर सकते हैं। अगर मदर टिंचर करते हो तो 15 बूंद में पोटेंसी बढ़िया काम करती है। तो नंबर दो दवा मैंने बताई, पहले आपको इलाटीरियम बताया, उसमें भी दस्त कंसंट आते हैं, पेट खराब, लीवर खराब। दूसरी दवा मैंने आपको ये लेप्टेंड्रा बताई, तो इसके अंदर काला दर्द, एम्बिबाइसिस, लीवर और ये खराब, दोनों पेट की दवाइयां हो गई। अब मैं आपको तीसरी दवा बताता हूँ जिसको आप जानते भी हैं, लेकिन देखो पोटेंसी पोटेंसी का कितना फर्क पड़ता है, ये मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। तीसरी दवा का नाम है नक्स वोमिका 3x डाइल्यूशन या 6 पोटेंसी। 30 पोटेंसी नहीं लेंगे, वो काम नहीं करेंगे। अब यही बात हुई, आप लोगों में से कोई लिख देगा मैंने नक्स वोमिका बहुत ली, 200 ली, 1000 ली, 30 ली, कोई फायदा नहीं होता, तो उन लोगों के मुंह पे तमाचा। अरे होम्योपैथिक सिर्फ पोटेंसी के ऊपर ही चलती है। कोई सी एक पोटेंसी लेके आप अपनी तोप दाग देते हो कि हमें फायदा नहीं होता, बेकार दवाई है। नहीं नहीं, जब तक आप उसका बाल की खाल नहीं निकालेंगे, जब तक आपको अधिकार नहीं, तो मैं समझता हूँ कि जिनको ये नक्स वोमिका 200-1000 देने से ये कब्जियत को दूर करती है, और जिनको बार बार पखाना लगता है, पेट सही नहीं रहता है, तो उसको 3x पोटेंसी या 6 पोटेंसी देने से उसका डाइजेशन सिस्टम बिल्कुल ठीक होगा और वो कोई खुल के आपको दस्त नहीं लाएगी, वो आपके अंदर के जो यंत्र हैं उनको ठीक करेगी। बाकी जो नक्स वोमिका के जो गुण होते हैं वो तो उसमें है ही है। सिर्फ एक पेट के लिए, लीवर के लिए, पेट के लिए, आंतों के लिए, लीवर के लिए, यही एक खास चीज शरीर के अंग हैं जो न तो भूख लगने देते हैं, न खुद कोई डकार करता है, एसिडिटी कोई क्या करता है, कुल मिला के सिर्फ जिनको पेट के लक्षणों के लिए ये दो दवाइयां काम में लेनी है, वहां ये नक्स वोमिका 3 पोटेंसी या 3x पोटेंसी या 6 पोटेंसी, ये सब दवाइयां मिलती है। मैंने अभी मंगाई है और मेरे आ भी गई, सब दवाइयां मिलती है। जर्मन में लो, इंडियन में लो, ये आपकी जो इच्छा हो। तो इलाटेरियम 30 और लेप्टेंड्रा 30 और नक्स वोमिका 3x या 6 पोटेंसी, ये तीनों दवाइयां हो गई।
तो ये तीनों दवाइयाँ आप मेडिकल वाले के पास जाके उसको कहो भाई ये तीनों दवाओं को 100 ml की शीशी में इक्वल डाल दे, तो एक एक हिस्सा हो गया 33 33 33, 100 ml की एक शीशी ले आओ, 100 ml की एक शीशी आपके परिवार में 5 साल भी खराब नहीं होगी। आप ले ओ दिन में 3 बार आधा कप गुनगुना पानी में सुबह दोपहर रात को 5 5 बूंद दिन में 3 बार लीजिए, और घर में मेंबर हो उनको दीजिए, जब ठीक हो जाए तो बंद करके रख दीजिए, कभी बाहर खाना खाने गए आए तो बिना कोई तकलीफ के भी आप 5 बूंद डाल के पी लें, ताकि रात को कोई डकार नहीं आती है, क्योंकि आजकल जो खाना बनता है वो अच्छा नहीं होता है, जाना भी पड़ता है खाना भी पड़ता है, ये सब जानते हुए भी कि सब बेकार आइटम है तो भी सामने वाले का दिल खुश रखना ही होता है। तो दोस्तों ये 3 दवाइयों का एक वीडियो दिया है और मैं तीनों दवाओं के नाम डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगा, बहुत सरल, इसका लाभ उठाएं आप और सब्सक्राइब करें।